अभी बाहु को इतना खाने का मन तो नहीं है, थोड़ा सा खाया, लेकिन अभी बाहु को उनके साथ मस्ती करनी है। तो अभी रामदेव आ गया है पोरबंदर से, आज स्पेशली बाहू की चीजें ज्यादा लेने गए थे। बाहू के लिए ही गया था, इसको वो स्टीम देने के लिए, स्टीम का मशीन फिर इसके लाया हूँ। ये तो टेस्ट के लिए पेडिग्री का मतलब जो ग्रेवी आता है तो सिर्फ टेस्ट उसको अच्छा लगे इसके लिए लाया हूँ। बाकी तो उसका जो ओवरऑल के नाम है इसलिए लीव 52 देना अभी करेंगे स्टार्ट, तो इससे इसको भूख लगेगी। ये स्टीम के लिए ना, तो अभी यहाँ पे ये जो स्टीम के लिए मशीन लेके आए वो है, और ये इसका इसमें जो अभी वो है मिक्स करके इसका मास्क है, स्टीम देनी होगी बाहू को ताकि कफ जल्दी से निकल जाए। okay. तो ये कुछ इंजेक्शन है इसका, बाहू को लेते हैं जल्दी। कोई हिजा नहीं करेगा, हिजा नहीं करेगा। तो बाहु को स्टीम दे रहे हैं, यहाँ पे मशीन लाया हूँ मैं स्टीम का, और कफ हुआ है बाहु को तो इससे रिलीफ होगा ऐसा सब लोगों ने बोला, और ये हम जो इंसानों में बच्चों में करते हैं वही टेक्निक है, क्योंकि ज़्यादा हैवी डोज अभी इसको कोई दे नहीं सकते इसका कफ निकालने के लिए, तो यही बेस्ट तरीका है। अभी बाहू को थोड़ी सी एनर्जी आ गई, तो अभी इसको खेलना है बाहू को, देखो 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 खेलना 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 खेलना। अभी ये थोड़ा सा जो हमारा वाला नोटी बाहू है वो दिख रहा है, अभी बोल के पीछे खुद गिर रहा है, गुस्से हो रहा है, इसकी बात में नहीं आ रहा है। अभी बाहू को ना सीधा थोड़ा सा कफ जैसे हमने वो किया उससे थोड़ा सा रिलीफ हुआ बाहू को, बाहू को सीधा खेलना है, वो भी उनके बम को चेक कर रहा है। देखना सुबह से हमारे यहाँ ऐसे ही, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ी 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 बारिश चल रही है कंटिन्यूसली बहुत सारी जगहों पर, जैसे जामनगर की साइड और बहुत और भी एरियाज में बहुत ही हैवी बारिश आई है, और जब बहुत ही ज़्यादा बारिश आती है तो बहुत सारी नदियाँ भर चुकी है, कभी कभी जो कोई कोई एरियाज में लोग रहते हैं वो को मूव भी करना होता है, वो टेंशन वाला होता है क्योंकि बहुत पानी की बाढ़ आ सकती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश, क्योंकि अभी यहाँ पे तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी बारिश है लेकिन कोई कोई जगह पे बहुत ही ज़्यादा बारिश है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे ऊपर बड़ा माउंटेन है तो हमारे पीछे ऐसी कोई भी बड़ी नदी नहीं है, वो आएगी और बाढ़ आएगी हमारे एरिया में, लेकिन बहुत सारे और एरियाज है। एंड प्लीज़ कोई भी लोग ऐसे टाइम पे ट्रैवल ना करे तो अच्छी बात है, स्पेशली पानी में से निकलने की ट्राई ना करें, क्योंकि हम देखते हैं एवरी ईयर बहुत ही सारे एक्सीडेंट्स होते हैं इसी की वजह से, क्योंकि पानी का पता नहीं चलता। हम यहाँ पे जाते तो भी सिर्फ हमारा रास्ता हमें पता है कि कहाँ पे जाता है, कितना गहरा है सब कुछ, लेकिन कभी क्या होता है पानी कम दिखता है लेकिन रास्ते में कुछ गड्ढे हो गए हो या फिर
और उसका बहाव बहुत ही ज़्यादा होता है, तो पानी की बहुत ताकत होती है। तो कुछ भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, पानी के साथ नहीं खेलना चाहिए, तो सभी लोग सेफ रहे। एंड हम विश करते हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है ये बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कोई कोई एरियाज़ में, तो वो सब लोग भी जल्दी से सेफ रहे एंड जल्दी से सबको बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाए सभी लोगों की। एंड अभी बाहू को भी जैसे कि लास्ट 1 सितंबर से ऐसे ही बारिश चल रही है, थोड़ी देर के लिए शायद स्टॉप हुई होगी एक दिन के लिए, लेकिन ऐसा ही पूरा वेदर है। इसी की वजह से शायद बाहू को भी थोड़ा सा कफ हो गया है, तो अभी बाहू को खिलाने का टाइम भी हो गया है। इसका जो जामनगर है, जामनगर के कुछ गाँव में पानी घुस चुका है, इतनी बारिश है, 20 इंच कहीं पे 25 इंच बारिश है, बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आई है। तो अभी वीडियोज आ रहे हैं उसके, तो उन लोगों के जल्दी हेल्प मिले। और बाकी तो ऊपर वाला मैं भी वही अभी बोल रही थी कि सबको पानी के साथ, अभी अभी मैं उठा वीडियोस देखे, जामनगर तो हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर ही है, मेरा एक मासी वहाँ पे रहते हैं, तो अभी बात हुई उनसे, वो भी बोल रहे कि बहुत है बारिश। जामजोधपुर का एक दो गांव है जहाँ पे कॉन्टेक्ट टूट चुका है, ज़्यादा पानी आया होगा ना, बहुत पानी, क्योंकि नदियों के आसपास जो गाँव होते हैं ज़्यादा रहती है, हमारे यहाँ तो इस बारिश तक कोई रिस्क नहीं है, तो हम लोग सेफ है, लेकिन जो जहाँ पे पानी है वो लोग भी जल्दी से सही ठिकानों पे पहुँचे। और हमारा भी जैसे सुबह से ऐसे ही चल रहा है ना, कंटिन्यूसली बारिश ऐसे ही है, स्टॉप ही नहीं है, नेक्स्ट 3 दिन तक 17 सितंबर तक हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा भी नहीं आ रही है, बस इतनी 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 आ रही है। पापा हमेशा बोलते हैं ना कि नई नदियाँ जो भी बनती है वो बादलवा जो ये मास चल रहा है उसी में बनी है और उसी में बनेगी आगे भी, तो ये इन लोगों का एक्सपीरियंस होता है। भादरवा महीने में जो बारिश होती है वो बहुत ही धुआंधार होती है। चलो अभी फिर इवनिंग का सारा काम स्टार्ट करेंगे। होम को मैंने अभी चीज़ सैंडविच बना दी है, लाइट आ गई है ना, लाइट का आज पूरा अंधेरा अंधेरा है, तो अभी जल्दी जल्दी कुकिंग भी कर लेंगे अर्ली। ये देखना, ये अभी मैं दिखाती हूँ, आज रात को दिखाएंगे, बारिश में खुलता है नहीं, खुलेगा है ना, खुलेगा रात को, ये याद रखना आप अभी देख के अपने दिमाग में वो सेव कर लेना। ड्रैगन आते रहते एक दो, एक यहाँ पे है जिसको अभी हम निकालेंगे, रेड हो गया है पूरा, और जितने हमारे अभी तक जो ड्रैगन हमारे में लगे वो रेड वाले ही आए हैं, इसमें हमें भी एग्जैक्ट पता नहीं था कि व्हाइट है या रेड है, इसके कांटे का ध्यान रखना पड़ता है। ये सेम हाथला का ही कुछ रिश्तेदार है, तो ये रूपाणी साहब ने कमलम नाम दिया था इसका, जो कि वो अभी सीएम नहीं रहे, और नए सीएम को बधाई हो गुजरात के। अभी इसको खोलते हैं ना, मुझे वो गिफ्ट दे दो, ये अच्छा लग रहा है, गुलाब का फूल जैसे, कुछ बोल के हाँ आई लव यू ऐसे ही करते हैं ना वो, कुछ ऐसे नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं, नहीं ऐसे ही देता है। आई लव यू, बारिश भी गरज रही है, बारिश आई लव यू, थैंक यू। चलो अब सब खाते हैं, इसको अभी मैं निकालूंगा ऐसे ही। चलो फिर पापा ने मुझे वैसे आज याद दिया था कि अभी इसको ना तोड़ना पड़ेगा, कट कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, वैसे ये सही हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता, से बड़ा साइज में हुआ ना जो अभी तक हुए ड्रैगन, इसमें इतना बड़ा। और हमने इसको कुछ नहीं दिया, पानी गाय का गोमूत्र वाला जो भी हमारी दवाई है वो देते, कुछ तो ये अपने आप ही हो रहा है, कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसके इसके जो दादा परदादा है ना, जो इसका ओरिजिनल जो रिश्तेदार है, जो हाथला बोलते हैं, वो ऐसे ही जंगलों में होता है, तो ये भी ऐसे ही हो रहा है, तो ये इसको नाम रखना पड़ता है ना अपने पूर्वजों का। इसका कलर और लुक बहुत ही एलिगेंट लगता है ना, ये एकदम पिंक कलर जो होता है, अभी इसके अंदर भी देखना, तो अभी ये कमलम खा के फिर आपा बोलेगी कि मुझे दूध पिलाओ जल्दी, अब कमलम का काम खत्म हुआ है, तो इस तरह से काटना पड़ेगा। वो प्रिटेंड करना कि ऐसे, तो गाइस अभी अभी हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, रामदेव का जन्मदिन है, तो ये बर्थडे केक लेके आए, हैप्पी बर्थडे, मुझे भी खिला दो। अच्छा तुम्हें तुम्हारा बर्थडे ना, स्वीट है बहुत, जो बाजार से हम लाते हैं उससे 10 गुना
बोल सकते। तो अभी ये मैंने क्या बोला, ये आप सुनना चाहते हो ना वापस रियल में, तो इसके लिए रामदेव के बर्थडे के पहले 1 मिलियन होने जरूरी है। वैसे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता 1 मिलियन 2 दिन आगे हो या पीछे हो, लेकिन कुछ स्पेशल किसी का, कोई स्पेशल पर्सन का बर्थडे आ रहा है तो कुछ अच्छा सा गिफ्ट और हम ये सब मिलके दे सकते हैं। कुछ बोल दूं मैं थोड़ा पहले 1 मिलियन का तो मुझे बोल, 1 मिलियन ये लोग कर देंगे यार, मुझे पक्का है ये लोग कर देंगे। हमें भी विश्वास है आप जरूर कर दोगे। इसका या शहरों में भी छोटा सा जो गार्डन होता है जो लोग शहर में रहते हैं वो भी लगा सकते हैं। गांव में जो लोग हैं, किसान हैं, किसान इसकी खेती भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी से शुरुआत करना है तो धीरे धीरे आप आगे इसमें बढ़ सकते हो। और प्राइस इसकी बहुत अच्छी रहती है, जो लोग खाते होंगे उनको पता ही होगा, जो लोग नहीं खाते उनको मैं बता दूँ 200-250 रुपये किलो मिलते ही है, बहुत महंगे। तो शहरों में जो लोग हैं, जो छोटा सा गार्डन जिनके पास होता है, छोटी जगह होती है, वो भी ये लगा सकते हैं। जैसे आप हमारा जो लगा हुआ है ड्रैगन वो आप देख ही सकते हो, तो या फिर आप किसी किसान से खरीद सकते हैं। तो ये अच्छा है, अच्छा फार्मिंग आइडिया भी है। तो ये पापा का फेवरेट फ्रूट भी है यहाँ पे, यहाँ पास में पापा का रेडियो भी चल रहा है धीरे धीरे। गणपति बापा का कुछ सॉन्ग आ रहा है।